हेलो दोस्तों रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय रेलवे से हम सभी ने अलग अलग ट्रेनों से सफ़र करते हैं और कभी कभी इस सफ़र के दौरान हम स्टेशन पर क्लॉक रूम देखे ही होंगे तो आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भारतीय रेलवे में क्लॉक रूम कैसे काम करता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिए आज का रिल कार्रवा शुरू करते हैं अधिकांश प्रमुख स्टेशनों में क्लॉक रूम और लॉकर हैं जहां आप निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपना सामान छोड़ सकते हैं यह यात्री सुविधा और सामान की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करती है जिससे आपको अपनी इच्छा अनुसार एक या दो दिन बिताने की स्वतंत्रता मिलती है आपकी सुविधा के लिए क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है आपको बस इतना करना है कि सामान को विधिवत रूप से बंद करके जमा करना है जहां आपको रसीद दी जाएगी यह रसीद आपका सामान प्राप्त होने की पावती के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित डिलीवरी के समय निर्धारित शुल्क के साथ सरेंडर की जानी चाहिए आपकी रसीद जमा किए बिना सामान की सुपुर्दगी नहीं की जाएगी कृपया सुनिश्चित करें कि सभी बैगेज या होल्ड ऑल या ट्रेवल बैग सुरक्षित रूप से बंद हैं अन्यथा इन्हें रेल कर्मियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है सुरक्षित जमा के लिए लॉकर उपयोग के बाद वापस कर दिया जाता है खतरनाक विस्फोटकों आपत्तिजनक या खराब होने वाले पदार्थों की वस्तुओं को लॉकर के अंदर रखने की अनुमति नहीं होगी आवश्यक पहला आपके पास एक ट्रेन टिकट होना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि आप या तो अपने चुने हुए स्टेशन पर अभी अभी आए हैं या अगले महीने के भीतर आप वहाँ से प्रस्थान करेंगे दूसरा आपके बैग सुरक्षित रूप से बंद होने चाहिए इसके लिए रोकसाक के लिए कुछ सरलता की आवश्यकता हो सकती है यदि आप साइड पॉकेट को लॉक नहीं कर सकते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह खाली है तीसरा अपने चेक इन लगेज में कोई भी खाना न रखें यह कीड़ों को आकर्षित करता है चौथा जब आप अपना सामान चेक इन करते हैं तो खुलने या बंद होने के समय के लिए नोटिस देखें अधिकांश में कुछ बंद होने की अवधि होगी जो आपके बैग लेने की आवश्यकता होने पर प्रभावित हो सकती है पांचवा प्रति पीस प्रति दिन या आंशिक दिन शुल्क है जब आप अपना सामान चेक इन करते हैं तो आपको टिकट दिया जाता है जब आपको जमा करने की आवश्यकता होती है तो शुल्क की गणना की जाती है और आप संग्रह पर भुगतान करते हैं वर्तमान में शुल्क कुछ इस प्रकार है पहले 24 घंटे के लिए या उसका हिस्सा इक्कीस रुपए प्रति पैकेज है अगले 24 घंटे के लिए या उसका हिस्सा चार रूपये प्रति पैकेज है प्रत्येक बाद के चौबीस घंटों के लिए या उसका हिस्सा पाँच रुपए प्रति पैकेज है छठवा जब आप अपना बैग चेक करते हैं तो आपको आईडी की आवश्यकता होती है विदेशी आगंतुकों के लिए स्पष्ट आईडी आपका पासपोर्ट है कुछ साल पहले ऐसी खबरें आई थीं कि आपको अपनी आईडी की एक फोटोकॉपी भी देनी होगी लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी नहीं मिली है अब हम कुछ टिप्स जान लेते हैं एक सस्ता यात्रा टिकट खरीदना पूरी तरह से संभव है जिसका उपयोग करने का आपको कोई इरादा नहीं है ताकि आप किसी दिए गए स्टेशन पर क्लॉक रूम तक पहुंच सकें। पहली नजर में आपका रुखसैक ऐसा लग सकता है कि इसे लॉक करना असंभव है छोरों पर सिलना चेन की एक छोटी लंबाई और एक ताला जल्द ही इसे छाट सकता है यदि आपके पास एक पैक पर कई लॉक करने योग्य पॉकेट है तो यह छोटे पैडलॉक के एक सेट पर अपेक्षाकृत कम राशि खर्च करने लायक है जो सभी एक ही कुंजी के साथ काम करते हैं इसलिए आपको चाबियों का एक बड़ा उच्छा ले जाने की आवश्यकता नहीं है लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या रेलवे क्लॉक रूम सुरक्षित हैं? मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई और न ही यह सोचने का कोई कारण है कि मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ की गई है मैं चेक किए गए सामान में कोई कीमती सामान नहीं छोड़ता वे मेरे व्यक्ति या मेरे दिन के पैक में रहते हैं अब हम कुछ क्लॉक रूम के लोकेशन जान लेते हैं स्थानों की एक विस्तृत सूची अंतहीन होगी लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनका मैंने उपयोग किया है यदि आप नहीं जानते हैं कि प्लेटफॉर्म एक पर शुरू होने वाले किसी विशेष स्टेशन को कहाँ देखना है तो आगे इसकी पूरी जानकारी दी है पहला नई दिल्ली यहाँ प्लेटफॉर्म एक और प्लेटफॉर्म सोलह पर क्लॉक रूम है दूसरा पुरानी दिल्ली इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के अंदर मुख्य प्रशासनिक परिसर के पश्चिमी छोर पर है तीसरा हजरत निजामुद्दीन यहाँ प्लेटफॉर्म सात फुट ब्रिज के अंत के पास ऊपर है चौथा चेन्नई यहाँ एसी सी के पीछे मुख्य सभा में है पांचवा मुंबई सी एस एम टी यहाँ मुख्य सभा में है जो चौबीसों घंटे काम करता है लेकिन काफी धीमा है क्योंकि सभी वस्तुओं को सुरक्षा स्कैन किया जाना है छठवा ठाणे यहाँ प्लेटफॉर्म सात पर है और यहाँ सातवां दिन प्रतिबंध होता है हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे में क्लॉक रूम कैसे काम करता है अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारतीय रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय